हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के जो टेक्निकल स्कीम्स एंट्रीज होते हैं उसके लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। तो इसके लिए एनी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जिन कैंडिडेट्स के पास ओनली PCM है 12th क्लास में वो ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, पे स्केल के बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये टेक्निकल एंट्री स्कीम्स की जो पोस्टें निकली है उसके लिए ओनली जो मेल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा उसके पास PCM होना चाहिए 12th क्लास में। PCM इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ है उसमें 70% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट जो आता है एज लिमिट है, मिनिमम वो है 16.5 साल और मैक्सिमम है 19.5 साल। और जो कैंडिडेट बॉर्न होना चाहिए जो जनवरी 2002 के बीच से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में कैंडिडेट बॉर्न होना चाहिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड की। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो ओनली 90 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। और तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग के बारे में। आफ्टर जो सिलेक्शन आपकी ट्रेनिंग की जाएगी वो आपको 5 ईयर की ट्रेनिंग होगी। 1 ईयर में आपको जो मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग होती है वो आपको दी जाएगी, और उसके बाद आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आपको थर्ड में जो रिवॉर्ड ऑफ डिग्री है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो आपकी जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो पे स्केल मिलेगा वो आपको ओनली 9000 रुपीज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए जो आफ्टर आपकी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी तो उसके बाद जो आपके पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जो पे स्केल है उसमें 56,000 जो कि मिनिमम पे स्केल है, और जो मैक्सिमम है वो 2.5 लाख रुपए तक आपको पे स्केल मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद देखिए आपकी जो पे स्केल के अलावा आपको जो अदर अलाउंस होते हैं, वर्दी के अलाउंस होते हैं, ट्रैवल अलाउंस होते हैं, आपके होम अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस होते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी इसमें पे आफ्टर आपको जो है जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी जो है जॉब है, जो भी कैंडिडेट अभी फ्रेश है 10+2 पास किए उन्होंने वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई करने के लिए आपको जो है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा, joinindianarmy.in पे आप जाएंगे। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो 10+2 का आपके सर्टिफिकेट होंगे वो आपको वहाँ पे उनके सीरियल नंबर्स अपलोड करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपको अप्लाई की ऑप्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और आई होप आज की ये रिक्रूटमेंट आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं डेली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।